हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू विवान्याज वर्ल्ड। एक बार फिर से मैं हूं आपके सामने डेली व्लॉग के साथ। धीरे धीरे मैंने डेली व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी है। मैं पहले इवेंट्स वगैरह ट्रिपल की वीडियो ज़्यादा करती थी बट इसी चैनल पे, और बट मैंने अभी डेली व्लॉग भी स्टार्ट किए हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना किस तरह बन रहे हैं डेली व्लॉग्स। तो अगर कुछ चेंज करना होगा तो मैं डेफिनेटली कुछ चेंज करूँगी। सो चलिए, मैंने जैसे कि आपने यहाँ थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि एक रूल्स अमेरिका का, जो कि मतलब यहाँ बहुत सारे रूल्स हैं, एवरी कंट्री में होते हैं, बहुत रूल्स होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे होते हैं। तो लेकिन यहाँ का जो एक रूल है अजीब है लेकिन है बहुत अच्छा, मुझे रूल बहुत पसंद आया। तो रूल क्या है, और मैंने इस तरह का रूल्स कभी पहले सुना भी नहीं है। तो वो रूल्स क्या है कि आप यहाँ पर अपने बच्चे के स्कूल में पूरे साल में 4 बार लंच के लिए जा सकते हो। लंच आपके लिए ऑप्शनल है, आप स्कूल में भी कैंटीन से ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप घर से खुद प्रिपेयर करके लेके जा सकते हैं, और बच्चे के लंच टाइम पे जाके उसके साथ स्कूल में लंच कर सकते हैं। तो आज मैं जा रही हूँ विनी के स्कूल, मेरा फर्स्ट लंच है विनी के साथ। उसके डैडी ऑफिस में थोड़ा बिजी हैं तो वो नहीं जा रहे हैं। पहले मुझे विवान को रेडी करना है क्योंकि विवान का स्कूल है, तो पहले मैं उसको स्कूल के लिए रेडी करूँगी। उसको स्कूल भेजने के बाद मैं अपना खाना रेडी करूँगी और विनी के स्कूल में जाऊँगी। तो सुबह मैं जल्दी जग गई थी, विनी को स्कूल मैंने भेज दिया है। उसके बाद मैं थोड़ी सारी क्लीनअप करने के बाद फिर मैं करती हूँ अपना डेली व्लॉग स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, एंजॉय दिस व्लॉग। गो गेट योर बैग, चलो जल्दी से, और जैकेट पहनो, जैकेट रख लो, सर्दी हो रही है। आज फिर से वेदर हो रहा है बहुत ख़राब, बारिश है और बहुत ठंडा भी हो गया है फिर से आज। यहाँ वेदर बहुत जल्दी चेंज होता रहता है, हम तो बड़े परेशान हो गए इस वेदर से। इस बार तो सच में सर्दियाँ जाने को ही नहीं कह रही हैं। तो विवान चला गया है तो मेरी यहाँ हो रही है शाही पनीर तैयार। मैं लेके जाऊँगी शाही पनीर और राइस। तो शाही पनीर हमारे घर में बड़ी फेवरेट है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। मेरे घर में हफ्ते में एक बार तो बन ही जाती है शाही पनीर। तो मोस्टली मैंने ये रेसिपी बहुत बार शेयर करी है, आई थिंक मैं डेली व्लॉग्स में कितनी बारी मैं पनीर बनाती रहती हूँ। तो हफ्ते में एक बार हमारे यहाँ पनीर बनता ही बनता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है, हमें भी बहुत पसंद है, हेल्दी भी होता है। सो दूसरी तरफ मैंने राइस बनाए हैं, इसमें मेरे राइस तैयार। मैंने अपना लंच पैक कर लिया है, मैंने करे हैं राइस और शाही पनीर। टिफिन में अपने एक में पैक कर लिया है मैंने, इसको मैं कर देती हूँ ओपन, और ये मैं रख लेती हूँ स्पून। और इस टिफिन को और स्पून को हम पैक करेंगे, ये लेके जाना हमें साथ में। सो माय टिफिन, मैं आ चुकी हूँ विनी के स्कूल। ये है विनी का स्कूल, मैं ढूंढ रही हूँ पार्किंग, मौसम है बहुत ख़राब। सो जल्दी से अपनी कार को पार्क करने के बाद मैं जाऊँगी अंदर। ये पूरा है विनी का स्कूल। सो मैं ऑलमोस्ट विनी के स्कूल आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे स्कूल्स में ना बाहर कोई वॉचमैन नहीं होता है। मैंने एक साइड में बटन था उसको प्रेस किया, उन्होंने अंदर कॉल पिक करी, और अंदर से ऑटोमेटिक ये डोर है, उन्होंने डोर अंदर से पहले ओपन किया है, और इसको ओपन करके मैं अंदर गई हूँ। फिर एक और डोर आता है, फिर इसको ओपन करते हैं, वो ऑटोमेटिक है ये भी, उसको अंदर से ही ओपन करते हैं। उसके बाद फिर मैंने अपना लाइसेंस दिखाया, उन्होंने मेरी फ़ोटो क्लिक करी, मेरी आईडी मैच की, बच्चे का नाम पूछते हैं, क्लास पूछते हैं। वो सब करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि जहाँ पे कैफेटेरिया होता है पूरी लोकेशन वो आपको बताते हैं कि कैफेटेरिया वहाँ पे, आप वहाँ जाके बैठ जाओ। तो उन्होंने बस अभी मुझे बताया कि उधर से आपको जाना है,
उसके बाद मुझे मिला है लंच विजिटर और ये आ गई मेरी विनी सामने। तो मैंने मुश्किल से 5 मिनट ही वेट किया और विनी आ गई। इस तरह ये रिजर्व था हमारे लिए, अदर पेरेंट्स लंच इज लंच टाइम, तो ये रिजर्व जाती है कुछ चेयर। सो मेरा लंच हो गया विनी के साथ। लंच करते ही तुरंत आपको निकलना है। मैंने भी दिखाया विनी लाइन बना के अपने क्लास में चलेगी। इस तरह लाइन से सारे बच्चे क्लास में जाते हैं और आप पेरेंट्स साइड से निकल सकते हैं, एक साइड में डोर होता है। सो चलिए व्लॉग करते हैं यहीं पे फिनिश। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग में। बाय बाय।